एक दफ़ा मैं कराची में जा रहा था कहीं टैक्सी में, टैक्सी वाले से मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रोड्स अच्छी बन रही हैं कराची में और अब शायद ट्रैफिक बेहतर हो जाएगी। कहा नहीं नहीं होगी, समझा टैक्सी वाले हमेशा ऐसी बातें करते हैं, सिमिज्म दिखाते हैं नेगेटिव। मैंने कहा क्यों नहीं होगी, कहने लगा ट्रैफिक सड़कों से सही नहीं होती। मैंने कहा भाई किससे सही होती है, कहने लगा ट्रैफिक उस वक्त सही होती है जब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते, उस वक्त ट्रैफिक सही होती है। ये आप सड़कें चौड़ी किए जाओ और इनको रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, ये ट्रैफिक सही नहीं होने देंगे। ना कहूँ 100% तो कम से कम 90-95% तो कहूंगा कि सही कह रहा है। असल मसला यहाँ पे फंसा हुआ। तो अब आप और मैं भी ऐसे ही, हमें वाकई कुछ करना है, पहले अंदर बदलना पड़ेगा। वो जो आए करीमा है जिसको अल्लामा इकबाल ने शेर में कहा, नहीं बदलोगे अपनी हालत नहीं तब्दील होगा। और खुदा किसी कौम की अच्छाई को तब्दील नहीं करता जब तक वो लोग अपने हाथों खराब नहीं करते, खुदा का कानून। अब आप या तो एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंज की खातिर जिसमें एनवायरमेंट भी शामिल है, पाकिस्तान की सियासत भी शामिल है, पाकिस्तान की मईशत भी शामिल है और हमारे अखलाकियात भी शामिल, या उसकी खातिर, या अब बोलो नहीं उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी आखिबत का मामला, चलो आखिबत की खातिर किसी खातिर इस बात को सोच लो भाई अपने आप को बेहतर कैसे बनाना।